जो कार्यक्रम है सबसे बीच में एक दूसरे के साथ मिलकर बैठने का मौका देते हैं, उनका भाव बहुत बताता है ऐसे ऐसे और सब एक आगे में जुड़ जाते हैं। यही हमारे देश की विशेषता है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहाँ पर इतने त्यौहार, इतने उत्सव, इतने कार्यक्रम समाज को एक साथ बैठ के करने के लिए मौका देते हैं। इसलिए हमारे देश की विशिष्टता है, यही हमारे देश की ताकत है। इसीलिए दुनिया के सारे देश इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। तो दुनिया का नेतृत्व यदि कोई देश करेगा आने वाले दिनों में, और कोई नहीं करेगा, भारत ही करेगा। विश्व गुरु के स्थान पर भारत ही विराजमान होगा, ये सारे लोग मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि यदि भारत की हो और उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग थोड़ा थोड़ा हम लोग को दिखने लगा कि भारत के सामने चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे अफ्रीका हो, अभी पिछले दिनों एक दिन हम लोगों ने अखबार में पढ़ा इसराइल और फिलिस्तीन की कितनी मारकाट है, कितना धाराकार लड़ाई है। लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा कि इसराइल से हमारे झगड़े को तो अभी तक कोई समाप्त नहीं करा सका, क्योंकि झगड़े को कोई समाप्त कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका मतलब कि हमारे नेतृत्व का लोहा और दुनिया मानने लगी है, फिलिस्तीन जैसा कट्टर देश मान कर रहा है। इसका मतलब विवेकानंद जी के भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग बन रहा है। तो इसमें इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पर्व, कि हमारे त्यौहार, कि हमारे भगवान को हम पर हमारी आस्था है, जिनके सामने सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं और ये मानते हैं कि हमारे परिणाम सिर्फ मेहनत से नहीं मिलेगा, परिणाम मिलेगा हमारे मेहनत के साथ साथ। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक परिणाम नहीं मिल सकता, ये मान्यता हम सारे लोगों के दिलों में बात करते हैं। और इसलिए ऐसे धार्मिक आयोजन में मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। माताएं बहन यदि कोई राजनीतिक नेता को आना होता, राजनीतिक कार्यक्रम होता तो इतनी माताएं बहन नहीं मिलती हैं, लेकिन चूंकि गणेश चतुर्थी है इसलिए बराबर के साथ यहाँ पर माताएं बहनें सब ईश्वर के चरणों में बैठी हुई हैं, ईश्वर के सब पर बैठी हुई हैं। राजकारण और हमारी जो कार्यक्रम के आयोजक हैं रावण राजमहेश्वरी, मैं जो 13 साल पहले भी आता था यहाँ पर, उनके कारण मैं जाते हैं बहुत थोड़ा भारतीय कार्यक्रम होता भारतीय कार्यक्रम। इसलिए आज फिर से इस कार्यक्रम में आकर मैं मुझे बड़ी खुशी है, सभी लोगों को मिलने का मौका मिला है। और जहाँ तक विकास का सवाल है, सरपंच उसमें बांधे हुए ज्यादा भारी तिवारी की उनका गाली मिला के अभिनंदन किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, बिजली सभी की बात कर रहे हैं। संबल योजना की बात कर रहे हैं, देखिए संबल योजना में हमारे यहाँ 90% लोगों को शामिल किया। संबल योजना कितने लोग जानते हैं, हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को मालूम है संबल योजना क्या है? बहुत कम लोगों को मालूम है। ये संबल योजना वास्तव में लोगों की तकलीफ बदलने वाली योजना है। समाज का बहुत बड़ा तबका जो गरीब है, जो गरीबी रेखा में सामने नहीं हो पाता, जो अन्य सुविधाएं नहीं ले पाता है जाति के कारण, ये जाति का नहीं है तो सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने समाज के बड़े तबके को संबल योजना में शामिल किया। इस आधार पर यदि कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, यदि कोई इनकम टैक्स नहीं देता, कोई ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं और ऐसे लोग जो 2.5 एकड़ से कम के किसान भी हैं, 2.5 एकड़ से कम के किसान जो है वो इतना अनाज को पैदा नहीं करते कि समर्थन मूल्य में जाके खरीदने के लोग अपना अनाज बेच सके, वो तो अपना परिवार का पेट भरने भर के लिए पैदा कर पाते हैं। और पेट भरने जैसे मजदूर कमाई करता है अपना पेट भरने के लिए, वैसे ही किसान 2.5 एकड़ के अपने परिवार का पेट ही चला पाते, ताकि अपने जीवन स्तर को सुधारने का काम वो नहीं कर।
आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होती है, लेकिन आर्थिक आधार पर लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने का जो ऐतिहासिक काम युवराज सिंह चौहान ने किया वो संबल योजना के अंतर्गत किया। अभी जयराम तिवारी जी कह रहे थे कि 2.5 एकड़ नहीं है, पिछले दिनों तो कमजोर नहीं हुआ, 2.5 एकड़ का किसान को हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है।
विनाश का भी मंत्री बुद्धि, यदि बुद्धि विपरीत होती है तभी विनाश होता है। यदि बुद्धि यदि ठीक है तो फिर विकास के अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए आज गणेश जी जो बुद्धि को विपरीत करने से रोकते हैं, बुद्धि को मजबूत करते हैं, बुद्धि को मजबूत करते हैं। ऐसे भगवान की आज चतुर्थी है, 10 दिन तक पूजा पाठ चलेगा चारों ओर। भगवान गणेश की यही प्रार्थना करते हैं पर कृपा बनाए रखें, जिससे हम लोग अपनी बुद्धि और विवेक का सदुपयोग करें, जनता जनार्दन की सेवा करने में अपने बुद्धि और विवेक को लगाएं, किसी को परेशान करने में अपनी बुद्धि ना लगाएं, लोगों को खुशी देने में अपनी बुद्धि लगाएं। ऐसी आशीर्वाद और वरदान हम लोगों को देने का कृपा करें। यही इस अवसर पर उन सारे लोगों का प्रार्थना है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। राजेंद्र जी को बधाई देता हूँ, उसके बाद में गाँव में सड़क अच्छी बनवाई और प्रधानमंत्री सड़क से भी मंजूर करा लिया। सिंचाई की नहर से जो इलाका बचा था तो नहर भी मंजूर करवा दिया। ये लगन होनी चाहिए, विकास की लगन से ही विकास होता है। कुछ लोग